खरगोन जिले के महेश्वर तहसील के करही में 15 वर्ष पूर्व जब ममता का जन्म हुआ था तो उसके परिवार में खूब खुशियां मनाई गई थी। जन्म से महज 6 माह की उम्र में ही नन्ही सी ममता को एक ऐसी लाइलाज बीमारी ने अपनी गिरफ्त में ले लिया था कि वह आज तक अपने पैरों पर ना तो चल पाई है और ना ही हाथों से कुछ कर पाई है। जिस उम्र में ममता को घर आंगन मस्ती की किलकारियां गुजनी थी, उसी घर में उसकी बीमारी को लेकर माता पिता उसके इलाज के लिए भटकते रहे, पर इस ला इलाज बीमारी का उपचार नहीं हो सका। दोनों हाथ तथा दोनों पैर घुटने कोहनी तक गलने के बावजूद भी ममता ने कभी हार नहीं मानी। खरगोन जिले के वणी गाँव के कैलाश टटवारे की एकलौती बेटी ममता के हाथ तथा पैर 6 माह की उम्र में गल गए। परिजनों ने उसे करही, महेश्वर, बढ़वा, धामनौत, इंदौर सहित अनेक जगहों के डॉक्टरों, हकीमों, वैद्यों से काफी इलाज करवाया, पर कहीं से भी ममता की बीमारी ठीक नहीं हो पाई। हाथ पैर ने जब साथ छोड़ दिया तो ममता के माता पिता ने उसकी हिम्मत बढ़ाई। दूसरे बच्चों की तरह पढ़ने की इच्छा रखने वाली ममता का एडमिशन गाँव की ही शाला में हुआ, जहाँ पर ममता ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई की शुरुआत की। शाला के शिक्षकों ने भी ममता का हौसला कम नहीं होने दिया। दोनों कोहनियों से चाक या पेंसिल पकड़कर वह कॉपी या स्लेट पर आसानी से खूबसूरत हैंडराइटिंग में लिख लेती थी। वर्तमान में ममता 10वीं की छात्रा है। उसका सपना डॉक्टर या फिर शिक्षक बनकर अपनी तरह लोगों की निस्वार्थ सेवा करना है। ममता के माता पिता दोनों ही मजदूरी कर जीवन यापन करते हैं। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। आपके अभी जो क्लास में ममता है, जो 10th में अभी विद्यालय में कर रहे अध्ययन और वहीं एग्जाम भी दे रही है, मैडम कब से अध्ययन कर रही है यहाँ पर? वो ममता टटवारे जो वणी के निवासी है, वो हमारे यहाँ पर वसुधा विद्या विहार स्कूल में 2012 से UKG में उसको हमारे द्वारा एडमिशन दिया गया था। जब हमारे स्कूल के द्वारा उस गाँव में कैंपेनिंग के लिए गए थे तो हमारी नज़र उसके ऊपर पड़ी और उसकी अंदर की गुणवत्ता को देखते हुए हमारे अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि वो कैसे करती है। जब हमने उसकी क्रियाओं को देखा तो हमने चाहा कि इतने अच्छी लड़की जो है वो हमारे स्कूल में क्यों ना पढ़े। इसलिए हमने स्कूल के द्वारा हमें उसकी परिस्थितियों को देखते हुए, उसके माता पिता की परिस्थितियों को देखते हुए, हमने उसकी निःशुल्क जो अध्ययन है उसके लिए हमने स्कूल ने हमने अपने कदम आगे उठाए और UKG से लेकर अब तक 12वीं तक वो इस संस्था के द्वारा निःशुल्क पढ़ाई कर रही है। उसका जितना भी पढ़ाई का खर्च होता है वो हमारे स्कूल के द्वारा उसका पूर्ण किया जाता है। और मैं आशा करती हूँ कि जैसे हमारे स्कूल 12वीं तक है, 12वीं के बाद ये बच्ची और पढ़ना चाहती है, तो जैसे हमने अपने कदम उठाए उस बच्ची के भविष्य के लिए, वैसे शासन भी इस बच्ची के लिए आगे सपोर्ट करें, उसे कुछ सफल होने के लिए, जीवन सफल होने के लिए, और उस बच्ची के जीवन से बाकी लोगों के लिए भी जो इस परिस्थिति से लड़ रहे हैं और अपने आप में मायूस हो रहे हैं, उनके लिए आगे आए, ताकि जैसा इस बच्ची ने अपना भविष्य बनाया और जैसा हम उसको सहयोग दे रहे हैं, वैसे शासन भी आगे आकर उसका सहयोग करे। 10वीं का पेपर देने भी, और पेपर कैसा गया? आप जो आज पढ़ा रहे हैं क्या बताएं? बहुत अच्छा गया है पेपर और बढ़िया गया है। मेरी लड़की एक ही है अलीगढ़ स्कूल में पढ़ाने के लिए, आगे और जो पढ़ाई करती है तो मैं पढ़ना है उसको लिखाता हूँ। और कब से समस्या है? ये 2 महीने से जो समस्या हुई है, जो हाथ गलते गलते गए और पूरा खिल गया है हाथ, तो चारों हाथ पे, और उसकी कोई सुविधा नहीं मिली अभी। और थोड़ा मैं और सरकार से थोड़ा मैं मदद मांगना चाहता हूँ, तो कुछ बालिका को आगे मैं बढ़ा सकूँ। आपका सहारा है इसमें? अभी हमारा कोई सहारा नहीं है, मेरे लड़की है और लड़की के अलावा और दूसरा कोई सहारा नहीं है। मेरा ये लड़का भी यही है और लड़की भी वही है। धन्यवाद। आपको कल का पेपर बहुत अच्छा गया है। वो आगे कौन सा पेपर आने वाला है? 16 का है, 7 तारीख को। मैं वसुधा स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं माँ बाप के सपने पूरे करना चाहती हूँ और आगे बढ़ के कुछ कर पढ़ना चाहती हूँ। और यही सुविधा कुछ करे कि मैं को कोई गाड़ी वगैरह दिलाए, ताकि मैं अपने आप चल सकूँ। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।